था मेरे YouTube चैनल नारायण मुंशी ब्लॉग पर। दोस्तों आप तो पिछले वीडियो में देखे होंगे, ये हमारा प्यारा नया सा इग्निस कार, और आज फॉर्मली कार को लेकर फर्स्ट ट्रिप में हम निकले हैं। आज हमें जाना है दुलियाजन, जहाँ पे मेरा एक भंजा रहता है, और वहाँ से पूरी दुलियाजन शहर के कुछ एक स्पॉट आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, और साथ में ड्राइविंग कैसा हो रहा है देखिए, क्योंकि मैं नया नया ड्राइव कर रहा हूँ और आज पहली बार निकल रहा हूँ। आज का ब्लॉगिंग में मेरे साथ है शौकत, मेरे भंजा, तो हम दोनों जा रहे हैं यहाँ से दुलियाजन, और दुलियाजन से और एक भंजे को लेकर हम दुलियाजन टाउन को घूमेंगे, और साथ में हमारा ये प्यारा सा इग्निस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ब्लॉगिंग। यह है टिंगराई रिवर का पुल, और पहला ये छोटा सा पुल आप हम लोग पार कर रहे हैं। मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ करीबन एक महीना हो गया, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 300-400 किलोमीटर ही मैंने गाड़ी चलाई है, और इसलिए स्किल उतना अच्छा नहीं है। आप लोगों को ये भी देखना है कि मेरा ड्राइविंग स्किल ठीक ठाक है या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अब बताइएगा कि कहाँ मैंने क्या गलती किया, ताकि आपके सुझाव से भी मैं कुछ सीख सकूँ। आगे थोड़ा सा खराब जगह है, जगह को कहता है चारियली, चार रास्ता जहां पे मीट करता है वही चारियली। चलो भाई तुम चला जाओगे। वैगनर, मैंने पहले सोचा था वैगनर ही लेना है, लेकिन जब नए वैगनर में मैंने बैठकर देखा तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं, जिसके हिसाब से ये नेक्सा का इग्निस काफी बेटर लगा मुझे। अब आगे जो रेलवे लेवल क्रॉसिंग है वहाँ से हमें राइट टर्न लेना है, क्योंकि अब हम जा रहे हैं दुलियाजन। चढ़ाओ, पार कर लिया, अब आगे से रास्ता थोड़ा सा खाली रहेगा। नया नया है इसलिए मुझे हॉर्न बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ता है, स्किल अभी भी उतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ मेरा। अब यहाँ से आप नजारे देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत है। यह है आसाम की चाय बागान, यह है केहंग टी स्टेट। अपर असम में जितने भी खूबसूरत टी गार्डन हैं, उनमें से ये एक है जो बहुत ही खूब सुंदर है। ये टी गार्डन, इस जगह पे काफी मंकीज रहते हैं, आज तो दिख नहीं रहा। असम के हर तरफ, खास करके ऊपरी असम में आपको हर जगह इस तरह का चाय बागान देखने को मिलेगा। गाड़ी चल रही 60 की स्पीड में, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा स्पीड में और गाड़ी चलाना कोई जरूरी नहीं है। यह आ गया टिंगरी क्लब का वो फील्ड, और इस वक्त हम हैं टिंगरी क्लब के एक शानदार फील्ड जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये ग्राउंड में बचपन से देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेरा इच्छा था कि मैं इस ग्राउंड में कभी क्रिकेट खेलूँ, क्योंकि हमने बहुत क्रिकेट खेले हैं, लेकिन अब तक नसीब नहीं हुआ इस खूबसूरत शानदार ग्राउंड में क्रिकेट खेलने का। अब ये जो सीधा रास्ता आप देख रहे हैं, इस रास्ते से जाने से आपको मिलेगा बालीजान, टेंगा घाट जहाँ मेरा बुआ जी का घर है, और उससे आगे जाकर आपको डिब्रूगढ़ मिल सकता है, लेकिन हमें चलना है लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमें यहाँ से दुलियाजन जाना है। दुलियाजन जाने के लिए आपका ये रास्ता है। इस रास्ते से आगे जाके हमें मिलेगा बॉर्डूबी बोल के एक छोटा सा स्टेशन है, यह है बॉर्डूबी। इधर जा रहा है सामने तिलिंगा मंदिर, जो आप दोनों तरफ छोटे छोटे दुकान देख सकते हैं। तिलिंगा यानी जो बेल होते हैं, घंटी, इस मंदिर में घंटी चढ़ाया जाता है, मुरादे मांगी जाती है। ये सब देखे बुला रहे हैं, आज नहीं रुक रहे हम, कोई दूसरा दिन आएंगे। ये घंटी किस तरह से लगा हुआ है,
बॉडवी से निकल कर आ गए हैं। अब हम हैं डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, बॉडवी तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अभी हमें राइट साइड में टर्न लेना पड़ेगा। अगर हम सीधा चले तो वहाँ पेंगरी बोल के एक जगह है, पेंगरी मिलेगा, और ये राइट साइड से आपको जाना पड़ेगा दुलियाजान। जबकि आप पेंगरी से भी दुलियाजान आ सकते हैं, उस तरफ में भी रास्ता है। अरे ये जगह तो बंद है, काफ़ी शार्प जगह हो गई है। तेल नगरी है दुलियाजान, इंडियन ऑयल कंपनी का सारी ये साइट है। बड़े बड़े टैंक देख सकते हैं जहाँ पे ऑयल को रिजर्व किया जाता है, फिर यहाँ से सिगो रिफाइनरी से रिफाइन होकर रेस्ट ऑफ द इंडिया में ये जाता है। यहाँ पर असम से तेल आपको उत्तर प्रदेश के कानपुर तक थ्रो पाइपलाइन जाते हैं। तिनसुकिया से दुलियाजान नियर अबाउट 32 किलोमीटर होगा। यहाँ आपको चार रास्ता मिलेगा, एक जाएगा पेंगरी की ओर लेफ्ट साइड में, और स्ट्रेट में जाएगा आपका नाहरकटिया नामरूप की तरफ, और ये जो फास्ट राइट टर्न है जहाँ से हम टर्न ले रहे हैं, ये है दुलियाजान टाउन की ओर। इससे ऑयल के जो क्वार्टर्स है वो स्टार्ट हो जाते हैं। ये हमने एंट्री ले लिया दुलियाजान टाउन में। ये मेरे राइट साइड में आप देख सकते हैं नए बस स्टैंड टैक्सी स्टैंड है। अब मेरे अभी लेफ्ट साइड में आप देखिए ये है दिल्ली पब्लिक स्कूल दुलियाजान DPS। यहाँ आपको काफी लग्जरियस कार देखने को मिलेंगे। ऑयल के सैलरी बहुत अच्छे है, और ऑयल इंडिया में काम करने वाले लोग बड़े पैसे वाले होते हैं, और यही कारण है कि दुलियाजान में आपको बहुत ही नए नए लग्जरियस कार देखने को मिलेंगे। तो भाई साइड दो, चलो भाई पटना इग्निस, मजा आ रहा। देखिए इग्निस का सामना इग्निस से, अभी सेम वेरिएंट होगा ना, जेटा ऑयल इंडिया मार्केट है, काफी पुरानी है ये मार्केट। ये जगह दुलियाजान टाउन का हार्ट ऑफ द टाउन है, वो आप आगे देख सकते हैं क्लॉक टावर। ये क्लॉक टावर हमने पार किया। अब लेफ्ट साइड में देखिए ऑल इंडिया के ऑफिस, ये दोनों तरफ ही ऑल इंडिया के ऑफिस है, और ये जगह खूब सुंदर से सजाया हुआ है। ये रास्ता दोनों तरफ सुंदर सुंदर पेड़ है, पौधा। ये देखिए बिल्डिंग, ये ऑयल का हेड ऑफिस है ऑल इंडिया। ये हमारा भंजा संकेत दास, दिखाओ चेहरा नहीं दिखा। दुलियाजान टाउन में अब हम निकल चुके हैं, यहाँ शायद हेलीपैड है, वो हेलीपैड अब हम देखने जा रहे हैं। और क्या है भंजा? रोज गार्डन। अच्छा, पहले क्या मिलेगा, रोज गार्डन या हेलीपैड? हेलीपैड। तो पहले हेलीपैड फिर रोज गार्डन, तो चलिए देखते हैं हेलीपैड में हेलीकॉप्टर उतरेगा आज ना। नहीं उतरेगा। चलो ठीक है, ये रास्ता बहुत खूबसूरत है। आप देख सकते हैं दुलियाजान कितना साफ सुथरा शहर है ये। तो हमें जाना है लेफ्ट। अच्छा, ये हेलीपैड है। हाँ, यह है हेलीपैड। ग्रास काफी बड़ा है हेलीपैड में। अरे वाह, हम तो ड्राइविंग सीख गया, एक हाथ में कैमरा एक हाथ में स्टेयरिंग, वाह। यह है हेलीपैड। इस वक्त हम है दुलियाजान के रोज गार्डन, जबकि वहां अभी कोई है नहीं, गेट बंद है, इसलिए हमें अंदर नहीं जा पा रहे हैं। बाहर से ही मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ के रोज गार्डन कैसा है। यह है दुलियाजान का रोज गार्डन। रोज तो है, काफी कलेक्शन अच्छा है, खूबसूरत रोजेस है। और इस
तरफ फोटो सेशन कर रहे हैं मेरे दोनों भंजे, गाड़ी के साथ फोटो सेशन कर रहे लोग। यह दुलेजन का रोज गार्डन। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? गोल्ड फील्ड। अच्छा, दुलेजन गोल्ड फील्ड की ओर अब हम जा रहे हैं। यहाँ सभी क्वार्टर के गली में नंबर लगा हुआ है, क्वार्टर नंबर आपको हर मोर पर मिल जाएगा, सेक्टर वाइज इसको डिवाइड किया हुआ है। यह रहा दुलेजन का फेमस जालोनी क्लब। ये क्लब बिल्डिंग है सर, कल्चरल एक्टिविटी का सेंटर है ये दुलेजन का। और इस जगह का दृश्य आप देखिए, बहुत खूबसूरत है, साफ सुथरा। तो हम गाड़ी पार्क कर दें आगे? यह है नेहरू फील्ड, जहां पर इस वक्त फुटबॉल मैच खेला जा रहा है। इस वक्त हम आकर पहुंच गए हैं दुलेजन के गोल्फ फील्ड में। तो चलिए जाते हैं अंदर और देखते हैं गोल्फ फील्ड कैसा है। अब हमें देखना है, अगर परमिशन मिले तो हम गोल्फ फील्ड के अंदर जाएंगे। यह है वो शानदार गोल्फ फील्ड, काफ़ी बड़ा है ये। और ऐसे भी आपको पता है, असम के जो ग्रास है वो काफ़ी ग्रीन दिखते हैं, क्योंकि यहाँ फ्रिक्वेंटली शावर यानी बारिश होता रहता है, जिसके कारण जो ग्रास है वो हमेशा ताज़ा दिखता है। है गेस्ट हाउस, जहां पर सारे गोल्फ प्लेयर्स आते हैं गोल्फ खेलने के लिए। बहुत मजा आ रहा है यहां पे, क्योंकि इतना खूब सुंदर ये ग्राउंड है। जो न्यू शावर आया है, बारिश आया है, उसमें से ये ग्रीन ग्रास का जो कलर है वो और ज्यादा उभर कर आया है, और ये देखने में बहुत मजा आ रहा है। गोल्फ कोर्स के बीच में इस तरह का सैंड रहता है, ये जिस पैटर्न बना हुआ रहता है बहुत खूबसूरत लगता है। और ये देखिए यहाँ का कलर, वंडरफुल। आजा बेटा। सर, आई हैव नेवर प्लेड गोल्फ एंड आई डोंट नो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गोल्फ। विल यू परमिट मी टू कीप आस्किंग शॉट्स लाइक दिस? ओके, लाइक दिस। What position is this? That is the play from the ball. Okay. Yeah. And this. No. Be careful, huh? Let's play a shot. No. It's not so easy to hit it. It's very difficult. It's nice shot. तो चलिए गोल्फ भी खेल लिया और अब हम यहाँ से निकलते हैं। तो उम्मीद है कि आज का मेरा ये ब्लॉगिंग आप सबको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि दुलेजन के अलग अलग स्पॉट मैंने दिखाया। अगर आज का ब्लॉगिंग आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।